स्टूडेंट्स वेलकम टू द DNSS मैथ क्लासेस. टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.3 एंड आई हैव गेव यू द थ्री क्वेश्चंस टू कंप्लीट. बट आई होप दैट सम स्टूडेंट्स विच आर नॉट एबल टू डू दैट देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. बस ट्रांसपोज निकालना है मीन्स रो को इंटरचेंज करना है कॉलम में. और कॉलम है अगर या तो रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम में या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर दो रो में. तो आई हैव गिव यू ब्रीफ डिस्कशन ऑन द ट्रांसपोज इन द प्रीवियस लेक्चर विच इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 3.3. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है. ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, 5, 1/2 एंड -1. और ये किस ऑर्डर का है, देखो m बाय n का होता है. m क्या शो करती है, रो. और n क्या करता है, कॉलम. तो कितने रो हैं, 1, 2, 3 थ्री रो एंड कॉलम, वन कॉलम. तो ट्रांसपोज में क्या होता है, वन कॉलम को इंटरचेंज कर दो रो में. बस आपको क्या करना होता है, रो को कर दो कॉलम में, कॉलम को कर दो रो में. किसी एक को भी इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा. अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वन कॉलम है और वन कॉलम को मैं किस में इंटरचेंज कर देता हूँ, रो में इंटरचेंज कर देता हूँ. हो गया काम, बस इंटरचेंज करना है आपको. या फिर आप ये रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकेंड रो फिर कॉलम में लिखो, थर्ड रो फिर कॉलम में लिखो, वो भी इंटरचेंज हो जाएगा. ओके तो यहाँ से देखते हैं, ए ट्रांसपोज का सिंबल है ए प्रेफिक्स में टी और ए a डैश को भी ए ट्रांसपोज ही हमारा इज इक्वल टू. हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये कॉलम फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट को क्या बना दें, हम रो बना दें. तो ये बना दिया हमने रो. अब क्योंकि ए की कॉलम है तो ए की रो बनेगी, क्लियर. एक कॉलम तो क्या बन रही है आपकी, ए की रो बन रही है. तो बन गई कॉलम का इंटरचेंज किस में कर दिया, रो में कर दिया. हो गया बस ट्रांसपोज, दिस इज द ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ठीक है, हमने कॉलम में इसमें रो में लिख दिया हमने. अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसपोज होता है तो आपके क्या इंटरचेंज हो जाते हैं. भाई ये अगर रो है और ये कॉलम है तो कॉलम क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी. और रो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा. क्लियर. तो अब आपका ऑर्डर क्या चल रहा था, 3/1. तो इंटरचेंज होने के बाद क्या बन जाएगा, इंटरचेंज होने के बाद 1/3. मतलब अब जो आपका यहाँ पर रो था वो क्या बन चुका है, यहाँ देखो रो क्या बन गया है, कॉलम. और जो कॉलम था वो क्या बन चुका है, जो कॉलम था वो क्या बन चुका है आपके पास, रो बन चुका है. यहाँ से देख सकते हैं आप, देखो सिंपल मैंने m बाय n है तो उसका इंटरचेंज करके क्या लिख दे, इसका इंटरचेंज करके n पहले लिख दो और m बाद में लिख दो. मतलब अगर पहले m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो अब क्या बनेगा, n बाय m का बनेगा. तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर यहाँ से देखो n की वैल्यू 1, तो 1. तो यहाँ पे अब किसका ऑर्डर बनेगा, n बाय m का बनेगा. n की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, बाय m क्या है आपके पास, m की वैल्यू 3 है, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई. ओके जो ऑर्डर था उसका इंटरचेंज करना है, मतलब रो और कॉलम का इंटरचेंज कर दिया. यही मैंने आपको ब्रीफली भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में. ओके अब मैं आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप खुद करना, मैं थर्ड पार्ट को लेकर चलता हूँ. और हाँ देखो भाई मैंने यहाँ पे कॉलम है वो रो में इंटरचेंज कर दिया, आप रो को कर लो कॉलम में, आएगा यही. देखो कैसे, ये रो फर्स्ट हो गई, ये रो सेकंड हो गई, ये रो कौन सी हो गई, थर्ड. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम टू, कॉलम थ्री. फर्स्ट रो क्या बन गई, फर्स्ट रो 5, ऐसे लिख दिया कॉलम में, चलो ठीक है. सेकंड रो ये है तो सेकंड रो का क्या बनाएंगे, सेकंड कॉलम. तो कहाँ लिखेंगे, 1/2 को सेकंड कॉलम में, यहाँ लिख दिया. ऐसे ही थर्ड रो को कहाँ लिख देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे, थर्ड कॉलम. चाहे रो को कॉलम में इंटरचेंज करो, चाहे कॉलम को रो में इंटरचेंज करो, आंसर सेम आएगा. इज इट क्लियर. ओके नाउ फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं. ए आपके पास मैट्रिक्स ये है, किस ये दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जहाँ पर रो मतलब 3-3 का आ जाए, 2-2 का, 4-4 का, जहाँ पर रो इज इक्वल टू कॉलम के. तो 1, 2, 3 रो हो गई और 3 नहीं कॉलम में हो गई. तो हमें क्या करना है, इसका ए डैश निकालना है. तो कर दो बस सिंपल, लो R1, दिस इज R2, दिस इज R3. रो का कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, या कॉलम का रो में कर दो. आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कॉलम है, इस कॉलम को कैसे लिख दो, रो में लिख दो पहले. इस कॉलम को किस में लिख दो, रो में लिख दो यहाँ पर. या फिर रो को किस में लिख दो, कॉलम में लिख दो, बात एक ही है. क्लियर. ठीक, अब देखते हैं. फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट कॉलम में लिख दिया. दिस इज कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड. क्लियर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो
थर्ड कॉलम हो गया ट्रांसपोज। ऑर्डर किसका बनता है, अगर यहाँ पे एम बाय एन का लिख रहा है तो यहाँ क्या बनेगा, एन बाय एम का, इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, आपस में क्या हो जाते हैं इंटरचेंज। अब क्योंकि ये 3/3 का है तो 3/3 का ही यहाँ पर बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज वन ऑफ द, ये आपका डेरिवेशन भी हो जाएगा जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि भाई मैंने बोला था कि ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी है, एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या थी, ए डैश ए, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते तो ए ही आ जाता है, और ये मैंने प्रूफ भी करवाया था। ठीक है चलो, वहां पर ये तो मैंने प्रूफ करा दिया, फिर मैंने कहा था कि तीन चार प्रॉपर्टी और थी उनको हम आगे क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे, आगे क्वेश्चन में डराइव कर लेंगे। तो यहां पर वही प्रॉपर्टी आ गई, ए प्लस बी डैश, देखो ए मैट्रिक्स ही है बी मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है दैट वेरीफाई, दैट हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू होगा ए डैश प्लस बी डैश, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी भी थी कि ए प्लस बी का होल डैश, उसको हम क्या अलग अलग लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं बी प्लस ए, सिंपल। तो यहाँ पर देखो आपको ए प्लस बी डैश को क्या लिख सकते हैं ए डैश, अलग अलग करके ए डैश प्लस बी डैश, हर किसी के ऊपर ए डैश प्लस बी डैश, क्लियर। और सिमिलरली जैसे प्लस के लिए वैसे नेगेटिव के लिए होगा, तो ए माइनस बी डैश वो हो जाएगा ए डैश माइनस का साइन बी डैश, क्लियर। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इनका अब हम यहाँ पर प्रूफनेस करते हैं। चलो ठीक है, हमको देखो क्या क्या चाहिए, मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ इसका, फर्स्ट पार्ट देखो इसका मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ और सेकेंड आपको ही करना है, क्लियर। ओके तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी डैश हमारे पास हमको क्या क्या चाहिए, ए डैश चाहिए बी डैश चाहिए, ए है गया बी है गया, ए प्लस बी कैसे हो जाएगा, ए मैट्रिक्स है हमारे पास बी भी है दोनों का ऐड कर देंगे हो जाएगा, ए ए डैश चाहिए और बी डैश चाहिए, मतलब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स गिवन है बी मैट्रिक्स ये है आपका, तो ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो ए मैट्रिक्स ये है तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, देखो अगर ये रो है, रो को किस में कर दिया, फर्स्ट रो किस में हो गई फर्स्ट कॉलम में हो गई, क्लियर। सेकंड रो किस में हो गई सेकंड कॉलम में हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बना दी, क्लियर हो गया ट्रांसपोज। किस ऑर्डर का होगा ये वो, ये भी क्या है आपका, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो ये भी किसका होगा ट्रांसपोज होने के बाद, सॉरी ये भी किसका होगा 3/3 का ही होगा। ओके सिमिलरली बी डैश, बी डैश आपके पास क्या है, -4 1 -5 -4 1 -5, फर्स्ट रो, रो को किस में इंटरचेंज कर दो कॉलम में, कॉलम में रो को किस में इंटरचेंज कर रहे हैं हम कॉलम में तो आप देख सकते हो ये रो थी रो फर्स्ट, हमने क्या कर दिया रो फर्स्ट को किस में कर दिया कॉलम में बना दिया, फर्स्ट कॉलम 1 2 0 रो सेकंड को किस में बना दिया सेकंड कॉलम में, रो थर्ड को किस में बना दिया थर्ड कॉलम में, क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास देखो आप यहाँ पे ए डैश आ गया बी डैश आ गया, हम लेकर चलते हैं एल एच एस, नाउ टेकिंग एल एच एस, एल एच एस में हमारे क्या था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है प्लस बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, एडिशन आपको आता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ही एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो -1 -5 ये करके ये आ गया, एडिशन करके ये आ गया, कर भी लेना आप -5 -1 -4 -5 बना 2 + 1 3 बना 3 + -5 -2 बना, क्लियर। तो आपका ये आ गया प्लस करके, अब हमको क्या करना है इसका, ए प्लस बी हमारे पास क्या आया दिस वन आया, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसके रो को इसका ट्रांसपोज कर लो, मतलब रो को किस में इंटरचेंज कर दो कॉलम में, या फिर कॉलम को किस में इंटरचेंज कर दो रो में, आंसर सेम ही आना है। ओके ए प्लस बी का ट्रांसपोज करा, देखो दिस इज रो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड, रो फर्स्ट क्या बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, देख लो -5 3 2 -2 था तो ये बन गया फर्स्ट कॉलम -5 3 2, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड, कॉलम बन गया, सेकंड रो क्या बन जाएगी सेकंड कॉलम, थर्ड रो क्या बन जाएगी थर्ड कॉलम, अगर 3/3 का इंटरचेंज करने के बाद तीन अगर यहाँ लाते हो और ये वाला तीन इधर ले जाते हो तो इंटरचेंज करोगे तो अभी 3/3 का ही तो रहेगा, तो ए प्लस बी का डैश क्या आ गया आपके पास ये आ गया, क्लियर। नाउ हम लेकर चलते हैं, देखो हमारा रिजल्ट आया ए प्लस बी का कंप्लीट ट्रांसपोज ही आ गया, अब लेकर चलते हैं नाउ आरएचएस, आरएचएस में क्या है हमारे पास ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश हमने निकाल लिया था ये था प्लस का साइन बी डैश हमारे पास ये था, तो सिंपल आपको क्या करना है एडिशन करना है -1 -5 4 -5 6 + 1 वेट अ मिनट -4 1 1 ओके दिस बिकम 6 -4
हमको बी डैश निकालना था, तो ठीक है कम 120 130। ओके ठीक है, यहाँ 5 था, आप देख सकते हो 5 था यहाँ पे, मैंने ए ट्रांसपोज में नहीं देखा था, यहाँ पर 5 था। माइनस 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 5। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 3 4, 3 माइनस 5 माइनस 2 9, 0 9, 1 प्लस 1 2। तो आप देख सकते हो जो आपकी ये क्या था, ए प्लस बी डैश जो आपकी एल एच एस थी, वही आपके किसके इक्वल आई है, आर एच एस के इक्वल आई है। तो हो गया यहाँ पर आपका जो प्रॉपर्टीज थी, यहाँ पर आपका वो ड्राइव हो चुका है। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितने भी फॉर्मूले, जितने प्रॉपर्टी बन रही है, उन सबका डेरिवेशन चल रहा है, डेरिवेशन भी चल रहा है और क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं सिमिलरली। ओके नाउ लेट सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री इज दैट, देखो इफ ए ट्रांसपोज गिवन है, आपको मैट्रिक्स नहीं गिवन है, ध्यान से देखना। इफ ए ट्रांसपोज इतना है एंड बी इज इक्वल टू इतना है, तो पहले तो आपको ए ट्रांसपोज है तो पहले तो ए मैट्रिक्स ही फाइंड आउट करना है, देन वेरीफाई दैट। अगेन वही जो सेकंड में पूछा है, फर्स्ट ये एंड सेकंड वन दिस। तो पहले में अगर मैंने प्लस वाला कराया तो थर्ड में मैं करा देता हूँ एक माइनस वाला। क्लियर? थर्ड का हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जो कि माइनस का, ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। ओके नाउ सी, लेट सी। देखो बस सिंपल सी प्रॉपर्टीज, आप प्रोसीजर वाइज चलते जाओ, सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। बस इसमें मैट्रिक्स में इतना कुछ खास नहीं है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में इतना खास नहीं है। इफ ए डैश इज इक्वल टू दिस एंड बी ये है, तो हमको वेरीफाई करना है कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। मैंने पहले सेकंड वाले में प्लस का कराया था, अब सेकंड में माइनस का कराते हैं। तो देखो थर्ड का सेकंड, हेयर हमारे पास ए डैश गिवन है, ए डैश गिवन है, तो पहले ए मैट्रिक्स निकाल लो। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज का भी कंप्लीट ट्रांसपोज करते हैं तो ए ही आता है, क्या बन जाता है, ए मैट्रिक्स आ जाता है। मतलब ए ट्रांसपोज गिवन है, अगर ए ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये मैं प्रूफ करवा चुका हूँ। ओके तो नाउ सी, देखो ए ट्रांसपोज का क्या करना है, ट्रांसपोज। तो अब यहाँ देखो ए ट्रांसपोज पूरा कितना गिवन है, ये गिवन है, तो ये लिख दो यहाँ पर। और इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करना है, ऊपर डैश लगा तो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, जितनी रो है वो किस में इंटरचेंज हो जाएंगी, कॉलम में, या फिर जो जितने कॉलम है वो किस में इंटरचेंज हो जाएंगे, रो में। तो ये कॉलम थी 3 4, ये रो थी R1 R2 R3, ये रो थी आपके पास, किस में चेंज कर दो, फर्स्ट रो किस में चेंज हो गई, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो किस में चेंज हो गई, सेकंड कॉलम में। एंड थर्ड रो किस में चेंज हो गई, थर्ड कॉलम में। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज का भी अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, ए। तो ये हमारा क्या आ गया, ए आ गया। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है और बी मैट्रिक्स भी है, ए ट्रांसपोज भी है, हमारे पास क्या नहीं है, बी ट्रांसपोज नहीं है, क्योंकि हमें बी ट्रांसपोज की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। पहले तो ये देखो अगर क्वेश्चन में हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, ए माइनस बी निकल जाएगा, ए मैट्रिक्स भी है बी मैट्रिक्स है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो निकल जाएगा। ए ट्रांसपोज चाहिए और बी ट्रांसपोज चाहिए, तो ए ट्रांसपोज है क्या, बी ट्रांसपोज इजीली कर सकते हैं, जब बी मैट्रिक्स ये है तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ले लो, रो को किस में इंटरचेंज कर दो, कॉलम में। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करने के बाद हमारा जो बी डैश आया है, देखो बी अगर आपका ये है तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो दिस वन, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, फर्स्ट रो इंटरचेंज किस में हो जाएगा, फर्स्ट रो इंटरचेंज हो गया फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो किस में इंटरचेंज हो गया, सेकेंड कॉलम में। देखो सेकेंड रो किस में इंटरचेंज हो गया, सेकेंड कॉलम में। तो देखो और ऑर्डर मैंने क्या बताया था, अगर ऑर्डर यहाँ पर m बाय n चलता है तो यहाँ पर क्या ऑर्डर बनेगा, n बाय m, n आगे आ जाता है m पीछे चला जाता है, इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। तो देखो यहाँ पर कितने का मैट्रिक्स है, 1 2, 2 रो बाय कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम, 2 बाय 3 का है, तो यहाँ पर कितना होगा इंटरचेंज होने के बाद, मतलब 3 आगे भेज दो 2 पीछे, मतलब n को आगे m को बाद में, तो n कितना है 3 बाय m कितना है 2, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा 3 बाय 2 का बनेगा, मतलब 3 रो और 2 कॉलम। देख लो आप, चेक भी कर लो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, थर्ड रो 3 रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और 2 कॉलम। ठीक है, क्लियर? ओके, हमारे पास सब कुछ है, ए बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। नाउ ऑन टेकिंग LHS, LHS क्या है हमारे पास, देखो LHS हमारे पास a माइनस b का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले a माइनस b निकालते हैं, a माइनस b, a आपके पास ये है माइनस b आपके पास ये है, तो सीधा सिंपल आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस माइनस 1 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2।
क्लियर, तो सब्ट्रैक्शन सिंपल करना है। ओके अब हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी क्या निकल गया, ये निकल गया, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। ए माइनस बी का ट्रांसपोज, रो को किस में इंटरचेंज कर दो, कॉलम में। फर्स्ट रो किस में बन गई, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो किस में बन गई, सेकंड कॉलम में। हो गया ट्रांसपोज। ओके ऑर्डर चेक करना है कितने का बनेगा, देखो ये कितने का ऑर्डर है, टू और तीन कॉलम, टू बाय थ्री का, तो ये कितना आएगा, थ्री बाय टू का, इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, ये यहाँ चला जाता है, थ्री आगे आ जाता है। ओके पूरा डिस्कशन है कि इंटरचेंज होता है तभी ट्रांसपोज बनता है, तो ये किसका बनेगा, थ्री बाय टू का। देख भी सकते हो, वन टू थ्री, थ्री रो हो गई, वन टू टू कॉलम हो गए, क्लियर। नाउ टेकिंग आर एच एस, अब हम आर एच एस लेकर चलते हैं। आर एच एस में क्या है हमारे पास, ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश भी निकाल रखा है, बी डैश भी निकाल रखा है। ए डैश आपका ये आया था माइनस साइन माइनस, बी डैश आपका ये आया था, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट फोर थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू आ गया। तो हमने देखा जो एल एच एस था ए माइनस बी डैश ये भी यही आया, और जो आर एच एस था ए डैश माइनस बी डैश वो भी यही आया, हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इज इट। थैंक नाउ लेट सी क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ ए डैश आपका इतना है एंड बी इतना है, देन फाइंड ए प्लस टू बी का डैश, ए प्लस टू बी कंप्लीट का ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो देखते हैं, हमको अगेन क्या दे रखा है आपके पास, ए ट्रांसपोज दे रखा है ना कि ए मैट्रिक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हमें तो ए मैट्रिक्स चाहिए, ए ट्रांसपोज ये है इतना है एंड बी इतना है, देन फाइंड ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले देखते हैं ए ट्रांसपोज, तो अगर ए ट्रांसपोज का ही हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलता है, ए ही तो मिलता है। तो ए ट्रांसपोज अगर ये पूरा है, इस पूरे का भी अगर हम ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसको क्या है, ये रो है, रो फर्स्ट रो सेकंड, रो का किस में इंटरचेंज कर दो, कॉलम में। फर्स्ट रो इंटरचेंज, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो किस में, फर्स्ट रो बन गई, फर्स्ट कॉलम बन गई। सेकंड रो क्या बन गई, सेकंड कॉलम बन गई। तो हो गया ए ट्रांसपोज था पूरा, ये ए ट्रांसपोज है पूरा, इसका भी ट्रांसपोज कर दिया, कर दिया, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दिया, करने के बाद क्या मिलेगा, ए बाय प्रॉपर्टी, अभी जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा था। क्लियर, ओके अब हमें क्या निकालना है, सिंपल बस, अब तो क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस टू बी, ए प्लस, यहाँ देखो ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए प्लस टू बी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस टू बी, ए हमारे पास ये है प्लस 2b, भाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2b आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई b, 2 मल्टीप्लाई b, तो 2 का करेंगे माइनस 2, 2 का इससे करेंगे 0, 2 का इससे करेंगे 2, और 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लिकेशन आपको सबको आती है। तो a लिख रहा है प्लस 2b, ये लिख रहा है पूरा, ये क्या है आपके पास पूरा 2b, मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, स्केलर क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। सब्ट्रैक्शन करना है बस ओनली, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, और देखो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से हैं, मतलब गर्ल्स में भी एक दो को मल्टीप्लिकेशन समझ नहीं आई है, वो बॉयज में भी हैं, तो ध्यान से देख लो। देखो 3.3 एक्सरसाइज चल रही है, मल्टीप्लिकेशन इतना कुछ है नहीं, आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट से रेगुलर देखते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप, मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, बट आप अगर रेगुलर देखते, अगर थोड़ा सा कुछ भी करते तो आप 100% आता। बॉयज़ में है पीछे, बॉयज़ में नालायक बच्चे हैं, उन्होंने कर दिया मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट, ये भी आपकी प्रॉपर्टी थी, ए इंटू बी, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, ए ट्रांसपोज इंटू, सॉरी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता है, दिस इज द प्रॉपर्टी, जब मैंने कहा था आगे हम इसको प्रूफ कर लेंगे ड्राइव, तो यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। ओके ए आपके पास ये गिवन है, बी आपके पास ये गिवन है, क्लियर, ए आपको ये है, बी आपको ये गिवन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं, फर्स्ट पार्ट जिसमें ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी ये बाहर है, ए इंटू बी कंप्लीट का ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो हम एल एच एस और आर एच एस मान लेते हैं, पहले लेकर चलते हैं एल एच एस, तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं, ए डैश भी चाहिए बी डैश भी चाहिए, ए हमारे पास ये है तो ए डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई ध्यान से, ए मैट्रिक्स में कितनी कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो एक कॉलम को किस में कर दो, कॉलम को किस में इंटरचेंज कर दो, रो में कर दो, या रो को किस में कर दो, कॉलम को कर दो, आंसर यही आएगा, क्लियर। तो एक कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम किस में इंटरचेंज हो गई, फर्स्ट रो एक ही रो में, पहली कॉलम पहली रो में, तो ये क्या आपकी फर्स्ट रो, एक कॉलम थी तो एक ही रो तो बनेगा, क्लियर। तो फर्स्ट कॉलम को किस में इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो में, 1 माइनस 4 3, क्लियर। अब ध्यान से देखो ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या था, इसका था 3 बाय 1, ट्रांसपोज करने के बाद क्या बन जाएगा, 1 बाय 3, इंटरचेंज हो गए, जो कॉलम थी रो बन गया, जो रो थे वो कॉलम बन गए, क्लियर।
ओके नाउ सी बी आपके पास क्या गिवन है, बी माइनस वन टू वन, इसका भी क्या करोगे आप इंटरचेंज कर दो। अब देखो सिंपल सिंपल सिटी के लिए क्या देखो कि जो सही हम सही हमें दिख जाए। अब हमें यहाँ पर एक रो दिख रहा है, अगर आप ऐसे करते हो कॉलम कर दो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम में माइनस वन था फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम में क्या था टू था वो सेकंड रो बन गया, टू रो में लिख दिया, थर्ड कॉलम में क्या था वन था वो हमने क्या बना दिया थर्ड रो बना दिया, थर्ड कॉलम में वन था वो क्या बना दिया थर्ड रो बना दिया। या फिर सिंपल सिटी के लिए रो क्या है, एक ही तो रो है, फर्स्ट एक रो है उसको किस में कर दो फर्स्ट एक ही कॉलम में कर दो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो को किस में इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, हो गया ट्रांसपोज। यहाँ पर ऑर्डर देखो, ये आपका ऑर्डर है वन बाय थ्री, वन रो तीन कॉलम, तो यहाँ पर कितना ऑर्डर होगा थ्री बाय वन, थ्री रो वन कॉलम, चेक कर लो वन टू थ्री, थ्री रो वन कॉलम, क्लियर। नाउ LHS, अब हम लेकर चलते हैं LHS, LHS में देखो हमको क्या चाहिए, LHS ए बी का ट्रांसपोज, ए बी कंप्लीट का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देख लो, ए मल्टीप्लाई बी, ए आपके पास मैट्रिक्स ए है मल्टीप्लाई बी आपके पास है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है जब यहाँ देखो किस ऑर्डर का है थ्री बाय वन, थ्री बाय वन, और ये किस ऑर्डर का है वन बाय थ्री। मैंने क्या बताया था मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल के लिए कि ये ऐसे कर लिया करो, ये चीज़ अगर सेम है मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की अगर रो सेम है तो ही मैट्रिक्स पॉसिबल होगी, और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा जो बच गए हैं, यहाँ थ्री बच गया यहाँ थ्री बच गया, तो थ्री बाय थ्री किसका बनना चाहिए, थ्री बाय थ्री का बनना चाहिए। चलो देखते हैं थ्री बाय थ्री का बनता है या नहीं बनता, ध्यान से देखो क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये आपके पास रो लिख लो आर वन आर टू, ये हो गई आर थ्री, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, क्लियर, दिस इज योर थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन मल्टीप्लाई माइनस वन, कितना आएगा माइनस वन, ये एलिमेंट आ गया। प्लस कब लगाते हैं, अगर इसके इसमें भी कोई और कुछ होता या फिर यहाँ कॉलम चल जाती तो फर्स्ट कॉलम के अगर कुछ और एलिमेंट होते जैसे माइनस वन या माइनस टू होता तो वन का प्लस साइन लगा कर क्या करते हैं वन इंटू माइनस टू, प्लस का साइन जब चलता। अब यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है तो आर वन में भी एक एलिमेंट है कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो वन इंटू माइनस वन कितना आ गया माइनस वन, ये कंप्लीट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट आएगा ये एलिमेंट आएगा, रो को जब तक चलाते हैं हम जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपका कौन सा एलिमेंट आएगा ये एलिमेंट आएगा। तो देखो ये तो हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब वन इंटू टू, टू आ गया टू यहाँ लिख दिया, ठीक है खत्म, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम खत्म, कुछ है ही नहीं और आगे। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो वन इंटू वन वन आ गया, क्लियर, रो का तीनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, ये कंप्लीट तीनों आ गए हमारे पास, रो खत्म हो गई। अब लेकर चलते हैं सेकंड रो, सेकंड रो का फिर ऐसे करेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, अलग अलग। जब हमने सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करा तो ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड रो का फोर्थ कॉलम है ही नहीं बस यहीं पे ख़त्म, क्लियर। तो देखो सेकंड रो माइनस फोर थी, फर्स्ट कॉलम में क्या था माइनस वन, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस फोर मल्टीप्लाई माइनस वन, प्लस का फोर आ गया ख़त्म, ये एलिमेंट ख़त्म, अब कुछ है नहीं रो कॉलम में आगे। तो अब सेकंड रो अब कहाँ बढ़ेंगे सेकंड कॉलम, तो माइनस फोर इंटू टू माइनस एट, ये भी ख़त्म। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो क्या है माइनस फोर इंटू वन, तो माइनस फोर आ गया, क्लियर। अब ख़त्म कॉम्बिनेशन, कॉलम थर्ड तक हमने कर लिया, आ गया है नहीं। नाउ अब चलते हैं हम थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा ये आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा ये आएगा, एंड थर्ड रो और थर्ड कॉलम करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, फाइनली ये एलिमेंट आ जाएगा। सबके साथ साथ करना है हमको, तो देखो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करा तो मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस थ्री, थर्ड कॉलम सेकंड सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना आ जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स, थर्ड रो थर्ड कॉलम थ्री इंटू वन सॉरी थ्री इंटू वन थ्री आ गया, बन गया किस ऑर्डर का बना है थ्री बाय थ्री का ही बन रहा होगा, देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन रो एक दो तीन, तीन कॉलम, क्लियर। तो ये तो आया हमारा ए बी, क्या है ये ए बी, हमें क्या चाहिए सॉरी यहाँ पर देख सकते हो आप LHS में हमको क्या चाहिए, ओके
है देखो, LHS में हमको क्या चाहिए, ए बी कंप्लीट का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए बी आपके पास ये आ गया। ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ए बी कंप्लीट का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इसकी जितनी रो है उसको किस में इंटरचेंज कर दो, कॉलम में। तो यहाँ देखो, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड किस में इंटरचेंज कर दें, कॉलम में। तो आप यहाँ से देख लो एक बार, देखो थोड़ी सी यहाँ पर देख लेना, गड़बड़ी नहीं हुई है, बस थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया है। ओके, फर्स्ट रो किस में बना दी हमने, फर्स्ट कॉलम में बना दी। देखो फर्स्ट रो किस में बना दी, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो किस में बना दी, सेकंड कॉलम में। थर्ड रो किस में बना दी, थर्ड कॉलम में। हो गया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। अब लेकर चलते हैं हम RHS। RHS में क्या है हमारा, बी डैश मल्टीप्लीकेशन ए डैश, बी डैश मल्टीप्लीकेशन ए डैश, ठीक है। तो आप देख सकते हो बी डैश आपके पास ये था इंटू ए डैश आपके पास ये था। मल्टीप्लीकेशन चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, ये कितने ऑर्डर का है, 3/1, मतलब 3 रो और 1 कॉलम। ये किसका है, 1/3, 1 रो कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 कॉलम। ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ये चीज़ सेम है। जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो किसका बनेगा, जो बच गया है 3 यहाँ बच गया है, 3 यहाँ बच गया है, तो 3/3 का बनेगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, 3/3 का बनेगा। चेक करते हैं अगेन, देख लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा, तो -1 × -4 +4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा, सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम -1 × 3 -3 आ गया, क्लियर। अब रो का सभी कॉलम के साथ हो गया कंप्लीट। अब सेकंड रो चलते हैं, रो सेकंड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2, ये भी एलिमेंट आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मतलब क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 8।